हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्चुअली अभी मैं नहा ली हूँ और मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं ब्रेकफास्ट करके अपनी लैब जाती हूँ, बिकॉज़ मुझे कुछ काम करना है वहाँ जाके। और जब दोपहर में मैं लंच के लिए आऊँगी, उस टाइम पे मैं सोच रही हूँ कि जो हम स्टार्टअप वीडियो बनाते हैं वो एक्चुअली मेरे हॉस्टल से स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको अपने हॉस्टल का एक टूर देती हूँ कि हॉस्टल में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या नहीं हैं। तो वही अपडेट देने के लिए मैंने आप अभी सुबह से लेके शाम तक का कि मतलब लाइक मुझे कब थोड़ा टाइम मिलेगा तभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊँगी, उसी अपडेट के लिए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है। प्लीज़ ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके गाइस, अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि शाम का टाइम कैसे हो गया। एक्चुअली गाइज, उस टाइम पे मैं वीडियो बना रही थी लेकिन मुझे अचानक से कुछ अर्जेंट काम आ गया तो मुझे वापस जाना पड़ा। अभी मैं डिनर के बाद वीडियो बना रही हूँ। ये हमारे हॉस्टल का एंट्रेंस गेट है जो दिन में भी मैंने रिकॉर्ड किया था थोड़ा बहुत। अभी हम हॉस्टल के अंदर जा रहे हैं, उससे पहले मैं आपको गार्ड का रूम दिखा देती हूँ जहाँ पे गार्ड बैठते हैं एंट्रेंस गेट पे। ये गार्ड का रूम है और यहाँ पर ये गार्ड आंटी खड़े हैं। शक्ल दिखा दो। वो किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं, अभी वो मुझे देख के स्माइल भी कर रहे हैं। बस चलते चलते गार्ड आंटी बोल रहे थे कि वीडियो का क्या करना है, दैट्स वाई हम उसी टॉपिक पे बात कर रहे थे। ओके गाइज, अभी हम हॉस्टल के अंदर एंट्री लेंगे क्योंकि ये हॉस्टल का मेन गेट है। वैसे रावी हॉस्टल के तीन विंग हैं, उनमें से ये सेंटर विंग है। सेंटर विंग में हम एंट्री ले रहे हैं। अभी एंट्री लेते ही ये यहाँ पर मेन गेट के पास में कॉमन एरिया है जहाँ पे टीटी के टेबल्स रखे हुए हैं और यहाँ पे आप चेयर्स पे बैठ भी सकते हो, लाइक जैसे कई बार गार्जियंस आते हैं तो वो भी बैठ सकते हैं यहाँ पर। साथ ही में ये जो नोटिस बोर्ड है सामने, जहाँ पे कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन होती है, कोई भी नोटिस होता है तो यहाँ पर लगाया जाता है। और जो आप ये बकेट्स देख रहे हैं वो यहाँ पे इसलिए रखी हुई हैं बिकॉज इस नोटिस बोर्ड के साथ में ही हमारा लॉन्ड्री रूम है, और इस लॉन्ड्री रूम में ये धुलने के बाद में, कुछ कपड़े धुलने के बाद या फिर कुछ कपड़े आयरन होने के बाद रखे हुए हैं। जैसे जैसे स्टूडेंट्स आएंगे वैसे वैसे वो अपने कपड़े ले लेंगे। और साथ में ये वाटर कूलर भी है यहाँ पर। अभी हम सेंटर विंग से ईस्ट विंग की तरफ जा रहे हैं बिकॉज ईस्ट, वेस्ट और सेंटर विंग तीनों विंग्स हैं वो कनेक्टेड हैं। अगर हम सेंटर विंग सेंटर होते हैं तो हम ईस्ट और वेस्ट दोनों साइड में जा सकते हैं। अभी हम वेस्ट विंग की तरफ जा रहे हैं। ऑलमोस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सेम है, ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर्स में कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे वो सेंटर विंग हो, चाहे वो ईस्ट विंग हो, चाहे वो वेस्ट विंग हो। मैं आपको अगर सेंटर विंग का विज़िट करा दूँगी तो दैट मीन्स ऑलमोस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सेम है, तो देर इज़ नो नीड ऑफ लाइक जो सेंटर ईस्ट विंग है और वेस्ट विंग है उसका हमें देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं थोड़ा बहुत ऐड कर दूँगी। ये यहाँ पे केयर टेकर का रूम है, सेंटर विंग में ही है केयर टेकर का रूम। और ये नीचे का पार्क है छोटा सा जहाँ पे हम बैठ सकते हैं, और ये साथ में ही यहाँ पे स्टेयर्स हैं जिनसे हम ऊपर जा सकते हैं। और स्टेयर्स के जस्ट सामने लिफ्ट फैसिलिटी भी है, बट मुझे थर्ड विंग पे जाना है, दैट्स वाई मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं विंग लिफ्ट से ही चली। उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं लिफ्ट से ही चली जाती हूँ। मैं अभी लिफ्ट में हूँ बिकॉज़ मुझे थर्ड फ्लोर पे जाना था।
और अराउंड जो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और जो थर्ड फ्लोर का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट सेम है। अभी मैं थर्ड फ्लोर पे पहुंच गई हूँ। राइट नाउ मैं आपको फ्रंट व्यू दिखा रही हूँ हॉस्टल का कॉरिडोर से जाते हुए। एक्चुअली ये रूम्स का सिक्वेंस है, लाइक ये एक कॉरिडोर है और ये सारे रूम सिक्वेंस में हैं। सो फ्रंट साइड में मैं आपको व्यू दिखाना चाह रही हूँ कि कैसा व्यू होता है। सो रात के टाइम पे आप देख सकते हो कि हॉस्टल के फ्रंट साइड में खड़े होने पर कैसा व्यू मिलता है। सो गाइस, ये हमारे फ्रंट साइड का व्यू है रात के टाइम, हॉस्टल से खड़े होके देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं इसको। देन अगेन फिर मैंने सोचा कि मैं आपको वॉशरूम वगैरह दिखा देती हूँ, फुल कॉरिडोर दिखा देती हूँ और थर्ड फ्लोर से नीचे के फ्लोर्स पे क्या मतलब लुक आता है वो सारी चीज़ें दिखा देती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वॉशरूम साइड में चलते हैं। सो वॉशरूम साइड में जाते हैं तो भी ये रूम का सिक्वेंस आता है, लाइक वन बाई वन रूम है सारे। यहाँ पे मैक्सिमम PhD स्कॉलर्स रहते हैं तो सबको सिंगल सिंगल रूम प्रोवाइडेड है, बट सबके वॉशरूम्स हैं वो एक ही जगह कॉमन एरिया में है और ये हमारा वॉशरूम का एरिया है। सो वॉशरूम के एरिया में चलने से पहले बाहर ये ड्रेसिंग का स्पेस है जहाँ पे मैं आपको अपने आप को मिरर में दिखा रही हूँ। एक्चुअली ये हम ड्रेसिंग एरिया है। अंदर की साइड में आने पर एक लोगो लगा हुआ था। सो ये हमारा वॉशरूम एरिया है। यहाँ पे ये हमें गीज़र फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराते हैं। एक्चुअली यहाँ पे गीजर्स भी लगे हुए हैं दोनों साइड में। सो सर्दियों में गर्म पानी का कोई इशू नहीं होता है एंड क्लीन भी काफ़ी रहता है बिकॉज़ दिन में 2-3 बार इसका सफाई हो जाता है। एंड दीज आर द वॉशरूम्स एंड ये सिक्वेंस में है सारे वॉशरूम, 6 एक साइड में है और 6 दूसरी साइड में है। अभी हम वापस चलते हैं कॉरिडोर की साइड में, जहाँ से अपन कॉरिडोर से निकलते हुए मेरे रूम की तरफ जा रहे हैं अभी, बिकॉज मेरा रूम है वो थर्ड फ्लोर पे है। सो फर्स्ट ऑफ आप ये देख लो कि जब थर्ड फ्लोर से हम ग्राउंड फ्लोर को देखते हैं तो थोड़ा सा व्यू इस टाइप का आता है, बिकॉज ये इनिशियली बीच में मैंने आपको गार्डन दिखाया था, ये वही गार्डन वाला एरिया है। सो आगे की तरफ फ्रंट साइड में भी एक गार्डन है, उसका व्यू भी मैं आपको दिखाती हूँ कि ऊपर से देखने पर वो कैसा लगता है, तो आप वो भी देख सकते हो। अभी ये फ्रंट साइड का गार्डन है जिसको ऊपर की तरफ से देखने पर ये कुछ ऐसा दिखता है और ये अलग अलग विंग्स भी दिखाई दे रहे हैं, जैसे ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर एंड हम थर्ड फ्लोर पर हैं अभी। और टोटल 4 फ्लोर है इसमें, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अभी हम मेरे रूम की तरफ चलते हैं। एक्चुअली मेरा रूम लिफ्ट के जस्ट सामने है, लेकिन मैं आपको रूम का विजिट बाद में कराऊंगी। बस यही था मेरे हॉस्टल में। थैंक यू।